नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैक्ट मास्टर पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन लाइनर ऐसे प्रश्नों की जो बाल विकास से संबंधित हैं। जो लोग यूपी टेट और स्टेट के टेट की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट के टेट की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ आगामी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, वन लाइनर जो क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना वंशानुक्रम है। तो दोस्तों, ये एक परिभाषा है और इसको बताया था जेम्स ड्रेवर ने। याद रखिएगा, माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना वंशानुक्रम कहा है, ये कहा है जेम्स ड्रेवर ने। दोस्तों, परिभाषाएं भी जो है एक या दो नंबर की जरूर पूछ ली जाती हैं। और आगामी आपका जो टेट होगा वो अक्टूबर नवंबर में हो जाएगा, यानी नवंबर में तो कंफर्म हो जाएगा। तो इस वजह से आप लोग जो है तैयारी कंटिन्यू रखिए, क्योंकि आगामी जो शिक्षक भर्ती होगी उसमें निश्चित रूप से जो मेरिट बनेगी उसमें टेट का भी कुछ अंश लिया जाएगा। प्रतिभाशाली माता पिता के संतान कम प्रतिभाशाली तथा निम्न कोटि के माता पिता के संतान उच्च प्रतिभाशाली होने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? यानी कि जो प्रतिभाशाली जो माता पिता होते हैं उनकी जो संतान है कम प्रतिभाशाली, तथा निम्न कोटि के जो माता पिता होते हैं उनकी संतान उच्च प्रतिभाशाली होने की प्रवृत्ति यदि होती तो उसे क्या बोलते हैं? प्रत्यागमन बोलते हैं। यानी किसी के माँ बाप जो हैं इंटेलिजेंट हैं, लेकिन वो उनके जो बच्चे होते हैं वो नहीं हो पाते हैं, और जो माता पिता कमजोर होते हैं यानी निम्न कोटि के होते हैं उनके बच्चे जो है प्रतिभाशाली हो जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रत्यागमन कहते हैं। जब माता पिता के बच्चे उसके विपरीत विशेषताओं वाले वाले उससे विकसित होते हैं तो उसको बोलते हैं प्रत्यागमन। दोस्तों, तो अगला प्रश्न है, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, ये कहा है बीएन झा ने। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। अगला है, वातावरण का किस दृष्टि से सबसे अधिक महत्व है? तो दोस्तों, व्यक्तिगत निर्माण यानी कि जो वातावरण है उसमें जो विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां पाई जाती हैं उसमें जो है बच्चा पूरी तरीके से समायोजन करने की कोशिश करता है और वो उसका व्यक्तिगत निर्माण होता है। तो वातावरण में जो सबसे अधिक सबसे अधिक महत्व है वो व्यक्तिगत निर्माण का है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, रूसो के शिक्षक संबंधी विचार पुस्तक किस पुस्तक में मिलते हैं? तो दोस्तों, रूसो ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक लिखी थी जो है एमिल, याद रखिएगा। अगला है, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक किसने लिखी? तो दोस्तों, ये लिखी थी जॉन डीवी ने। अगला है, एक सफल अध्यापक के लिए अधिक आवश्यक है। तो दोस्तों, एक सफल अध्यापक तभी हो सकता है जब उसे विषय वस्तु का समुचित ज्ञान हो। दोस्तों, अगला प्रश्न है, वंशानुगत रोग हैं? तो दोस्तों, वंशानुगत की बात अगर करें तो वर्णांधता और हीमोफीलिया, ये दो रोग ऐसे हैं जो वंशानुगत हैं। अगला है, लाल व हरा रंग में भेद नहीं कर पाता है। वर्णांधता का जो रोगी होता है वो लाल और हरे रंग में भेद नहीं कर पाता है। फिर दोस्तों, अगला है, मनुष्य में चोट लगने या कट जाने पर रुधिर स्राव बंद ना होना कौन सी बीमारी है? तो दोस्तों, यदि किसी के हीमोफीलिया है तो चोट लगने पर या कटने पर रुधिर स्राव बंद नहीं होता है। अगला है, वंशानुक्रम की इकाई है। तो दोस्तों, वंशानुक्रम की अगर इकाई की बात करें तो यह है जीन। जीन क्या करता है? ये अनुवांशिक गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी ले जाता है। विकासवादी सिद्धांत का समर्थक कौन था? तो दोस्तों, विकासवादी सिद्धांत के जो समर्थक थे वो थे लेमार्क। अगला है, वंशानुगत सिद्धांत के जनक थे? तो दोस्तों, वंशानुगत सिद्धांत के जनक थे या अनुवांशिकी के जनक थे ग्रेगर जान मेंडल। ग्रेगर जान मेंडल ने अनुवांशिकी का सिद्धांत किस पौधे पर खोज की है? तो दोस्तों, इन्होंने मटर पर प्रयोग किया था, ग्रेगर जान मेंडल ने, मीठी मटर पर। और मटर का जो वैज्ञानिक नाम है वो पाइसम सेटाइवम है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, कौन सा कारक बाल विकास को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? तो दोस्तों, अगर बाल विकास को मुख्य रूप से प्रभावित करने की बात हो तो वो होती है अनुवांशिकता।
शिशु की औपचारिक संस्था है विद्यालय, यहाँ पे औपचारिक संस्था की बात हो रही है तो विद्यालय हो गया। अच्छे नैतिक चरित्र का विकास संभव है शिक्षा के द्वारा। कौन सी क्षमता या गुण वंशानुक्रम जनित हैं? तो दोस्तों बुद्धि जो होती है वो क्षमता गुण वंशानुक्रम होती है। बालक की प्रारंभिक अवस्था में बालक के जीवन पर किसके वातावरण का सबसे अधिक प्रभाव होता है? तो दोस्तों घर के वातावरण का सबसे अधिक प्रभाव बालक पर पड़ता है उसकी प्रारंभिक अवस्था में। फिर दोस्तों अगला प्रश्न है, भाषा विकास पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों जो घर में बोली जाती है वही जो है भाषा सीखने का प्रयास करता है बालक। तो घर की जो घर का जो भाषा होती है, घर का जो वातावरण होता है वो सर्वाधिक भाषा विकास पर, बोलचाल पर प्रभाव डालता है। वर्णांध रोगी किस रंग में अंतर नहीं कर पाता है? तो दोस्तों वर्णांध जो रोगी होता है वो लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता है। फिर अगला है पाइसम सेटाइबम। तो दोस्तों ये मीठी मटर थी जिसका नाम है पाइसम सेटाइबम। अगला है वंशानुगत जो गुण होते हैं वो कैसे होते हैं? जन्मजात होते हैं, अर्जित नहीं होते। संतान को पिता से जीन प्राप्त होते हैं, यानी 50% जो जीन है वो संतान को पिता से प्राप्त होते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, वर्णांध व्यक्ति लाल व हरे रंग में भेद नहीं कर सकता है, इसे कौन सा दोष कहा जाता है? तो दोस्तों इसको कहा जाता है प्रोटीन दोष। वर्णांध व्यक्ति नहीं बन सकता है दोस्तों, कलाकार नहीं बन सकता है। व्यवहार के रचना तंत्र का निर्माण होता है वंशानुक्रम में, यानी व्यवहार का जो रचना तंत्र है वो वंशानुक्रम में उसका निर्माण होता है। वंशानुगत सिद्धांत का बीज रूप प्राप्त होता है अरस्तु के कथन में। फिर दोस्तों अगला प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेंडल का वंशानुगत सिद्धांत ये कब प्रकाशित हुआ था? दोस्तों ये प्रकाशित हुआ था 1866 में। वंश परंपरा के मुख्य वाहक हैं जीन, जिनको हिंदी में पितृक कहते हैं। रुचियों, मूल प्रवृत्तियों एवं स्वाभाविक आवेगों का स्वास्थ्य विकास हो सकता है। कैसे हो सकता है? स्वच्छ वातावरण की सहायता से जो है रुचियों, मूल प्रवृत्तियों एवं स्वाभाविक आवेगों का स्वस्थ विकास हो सकता है। मेंडल के नियम के प्रतिपादक कौन थे? ग्रेगर जान मेंडल। भ्रूण में कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो दोस्तों 46 क्रोमोसोम होते हैं। आंखों व त्वचा का रंग होता है फोनोटाइप होता है। नर क्रोमोसोम है XY और मादा क्रोमोसोम की अगर बात करें तो XX होते हैं, याद रखिएगा। और जो 46 में जो आखिरी जोड़ा होता है यानी जो 23वां जोड़ा होता है वो नर क्रोमोसोम होता है यानी XY होता है। अगर 23वां जोड़ा XX है तो निश्चित रूप से वो स्त्री लिंग को इंडिकेट करता है। अगर 23वां जोड़ा जो है XY है तो वो पुरुष लिंग को जो है क्लियर क्लियर या इंडिकेट करता है। वंशानुगतता का निर्धारण होता है जीन्स के द्वारा। निषेचित अंडा क्या कहलाता है? भ्रूण कहलाता है। जन्म से पूर्व काल में कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो दोस्तों ये अवस्थाएं होती हैं 3। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो सबसे छोटी कोशिका की अगर बात करें तो शुक्राणु सबसे छोटी कोशिका है। सबसे बड़ी कोशिका, तो दोस्तों अगर सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो ये ओवम होती है या अंडा होती है। तो सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु, सबसे बड़ी कोशिका अंडा। भ्रूण काल होता है, तो भ्रूण काल जो होता है 2 से 8 सप्ताह का होता है। लड़का या लड़की होना निर्धारित होता है नर शुक्राणु के द्वारा, मैंने अभी आपको बताया। नर शुक्राणु जो होते हैं वो XY होते हैं। वंश क्रम सिद्धांत के प्रतिपादक थे? तो वंशानुक्रम सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे वो मेंडल थे। अगला है वंश क्रम संबंधी नियम कौन से? तो दोस्तों इसमें नियम है, 3 नियम है। पहला समानता का नियम, विभिन्नता का नियम और प्रत्यागमन का नियम। दोस्तों ये नियम जो है ये वंशानुक्रम से संबंधित हैं। तो दोस्तों इस पे जो है वन लाइनर सीरीज चलती रहेगी। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके मैं लिंक आपको दे रहा हूँ, वहाँ से जा करके आप मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं और अपने आप को जान सकते हैं कि कितने प्रश्न आप वास्तव में सही कर सकते हैं। क्योंकि इस बार का जो यूपी टेट होने वाला है उसके नंबर निश्चित रूप से, चाहे 10%, चाहे 20%, चाहे 30%,
नंबर जो है शिक्षक भर्ती जब होगी तो उसकी मेरिट में जुड़ने वाले हैं। तो इस वजह से ये जो वीडियो हैं मनोविज्ञान से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित और जो यूपी टेट का सिलेबस है उससे संबंधित, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे किसी भी अभ्यर्थी के लिए जो BTC, DLED या BED करके शिक्षक भर्ती परीक्षा देना चाहता है। और जो लोग पिछली यूपी टेट में जिनके नंबर कम आए हैं वो भी इस बार जो है परीक्षा दे करके अपना स्कोर सुधार सकते हैं। तो दोस्तों, स्कोर सुधारने की सलाह इसलिए है क्योंकि टेट की कुछ परसेंटेज जो है आपकी शिक्षक भर्ती परीक्षा में जोड़ने का प्रावधान जल्द ही होने वाला है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, साथ ही साथ जो लोग नए इस चैनल पर आए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।